हेलो एवरीवन वेलकम टू इंजीनियर्स वाला तो उम्मीद है कि आप लोगों ने एसएससी जेई का नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लिया होगा हर हर बार बार स्टूडेंट ऐसा ही करता है लेकिन हर बार कुछ ना कुछ कुछ ना, कुछ ना डिपार्टमेंट नया आप लोगों को ऐसा दे देता है जिससे कि स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं हालांकि इस बार आप लोगों को सिलेबस में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला नेगेटिव मार्किंग में भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और ना ही एज रिलैक्सेशन में कोई बदलाव देखने को मिला है लेकिन एक सबसे अहम मुद्दा वो होता है एलिजिबिलिटी

मार्च से स्टार्ट हो चुका है ये और कब तक चलेगा 18 अप्रैल तक चलेगा यस तो इसको ध्यान रखेगा आपको 18 अप्रैल का इंतजार नहीं करना है

तो ये ओपन होकर आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट है ये ओपन होकर आ गया और जब ये ओपन होकर आएगा तो सबसे बात क्या देखो ऊपर में ही दिख रहा है आपको नोटिस लिखा गया है ये और यहाँ पे लिखा है अप्लाई जो ही अप्लाई पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखो अप्लाई पे क्लिक करोगे लिखा है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन ट्वेंटी अप्लाई लिखा है यहां पे क्लिक कर दोगे और जो ही यहां पे क्लिक करोगे अगर आपने ओ कराया हुआ है अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पे मैं फिर से बोल रहा हूँ एस डॉट जीओबी डॉट इन पे अगर आपने ओ कराया हुआ है तो आप इस फॉर्म को डायरेक्टली यहां पे लॉग इन करोगे आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपके पास पासवर्ड होगा ये कैप्चा को डालोगे और लॉग इन करोगे हो जाएगा बट अगर आपने ओटीआर नहीं कराया है आप न्यू यूजर हो तो आपको यहां पर रजिस्टर पे जाना पड़ेगा जो ही इस पर क्लिक करोगे इस तरह का पोर्टल ओपन होगा मैं मान लेता हूं मैं न्यू यूजर हूं मैंने कभी फॉर्म फिलअप नहीं किया मैंने OTR नहीं कराया है इस वेबसाइट पर तो मैं यहां पे आऊंगा और यहां पे सारे स्टेप करना पर्सनल डिटेल्स पासवर्ड क्रिएशन एडिशनल डिटेल्स डिक्लेन सब कुछ करना पड़ेगा और नीचे देखो कंटिन्यू लिखा गया जब से करते हैं वन बाय वन सारी चीजें अब देखो जब पर्सनल डिटेल्स में जाओगे ना ये देखो स्टेप बाय स्टेप चीजें पर्सनल डिटेल्स में जाओगे सबसे पहले पूछेगा आपको इस पर हम लोग वीडियो भी बनाएंगे कैसे करना है फिर से मैं भर के दिखा देता हूँ

फिल करना है इसका कंटिन्यू करना है बट आधार कार्ड सबके पास होगा आसान भी होता है तो हम यस कर देते हैं और यस करने के बाद यहाँ पे हम आधार कार्ड नंबर भी डाल देते हैं यस देखो डाल देता हूं मैं अपना

नेम में है। उसी के अकॉर्डिंग जो भी आपको लिखा गया अल्फाबेट एज इट इज डालेगा अपना नेम इसके बाद क्या डू होगा तो यस और नहीं किया तो नो करना है फिर देखो न्यू नेम अगर है तो है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है फिर जेंडर मेल फीमेल जो भी हो डाल देना फिर डेट ऑफ बर्थ जो आपके मेट्रिकुलशन सर्टिफिकेट में उसके अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा फिर फादर्स नेम वहीं से देख के डालना है आपको दो दो बार डालना है फिर मदर्स नेम देखो लिखा है दो दो बार डालना है फिर देखो तो नीचे क्या लिखा है मेट्रिकेशन टेंथ क्लास एजुकेशन बोर्ड किस बोर्ड से आपने किया है उस बोर्ड बोर्ड का डिटेल डालना है मैंने ऐसे सैंपल के लिए डाल दिया बिहार बोर्ड ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन आपने सीबीएसई से किया है बिहार से किया है यूपी से राजस्थान से जहां से भी किया है आप डाल दीजिएगा और यहाँ पे जब रोल नंबर की बारी आती है ना तो बहुत सारे बोर्ड में क्या होता है ना केवल रोल नंबर मिलता है बहुत सारे बोर्ड में रोल कोड के साथ रोल नंबर मिलता है तो

ऐसा मोबाइल नंबर डालना है जिसको आप वेरीफाई कर पाओ क्योंकि उस नंबर पे ओटीपी जाएगा और यहाँ पे देखो जो नंबर डालोगे सेंड ओटीपी करके ऑप्शन क्लिक करोगे तो आपको ओटीपी चला जाएगा सेम ईमेल आईडी डालना है वैसा ईमेल आईडी जो आपके पास होना चाहिए क्योंकि इसको वेरीफाई करना पड़ेगा तुरंत तो, और सेंड ओटीपी करोगे दोनों पे ईमेल आईडी पे जाएगा यस और ये जो आपका मोबाइल नंबर इस पर जाएगा और इस पे जाने के बाद इस तरह से पोर्टल दिखेगा देखो ध्यान से जब इसको कर लोगे ना तो आपको इस तरह से पोर्टल यहाँ पे देखने वाला है देखो ध्यान से ये दिख गया अब यहाँ पे जो ही वैलिडेटेड वेलिडेटेड जब आप ओटीपी डाल दोगे यहाँ पे तो इस तरह से ये ग्रीन हो जाएगा इस तरह से ये ग्रीन हो जाएगा और जब ये ग्रीन हो जाएगा ना इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है और जो ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आप यहाँ तक पहुंच जाओगे जो ही इस पर सेव एंड नेक्स्ट अब जब यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर पर जो आपका ओटीपी गया है इसको वैलिडेट करना है और जो आपने जी मेल डाला है उसको वैलिडेट करोगे तो इस तरह से वेरीफाइड दिखाएगा वैलिडेट दिखाएगा और इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट दिख रहा होगा यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली यस ये हो जाएगा आपको और यहां पे ओके okay पे क्लिक कर देना है आपको देखो जो ही ओके okay पे क्लिक करोगे ये आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ अलग होगा इस तरह से मिलेगा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और जो ही ये मिलेगा इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है यहाँ पे कंटिन्यू करोगे ये इस तरह का पोर्टल आएगा और इसमें क्या रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालना है आपको जो पासवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मेल आई पे मिला होगा और देखो मेरे पास भी आ गया मैं अपना डाला हूं तो यहाँ पे मिला हुआ है मेरे पास जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है उसको डाल देना है आपने यहाँ तक डेफिनेटली फॉर्म को फिल कर लिया होगा आप देखो यहाँ पे करने आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला रहा है यहाँ पे ब्लर दिख रहा होगा मैंने बदल कर दिया है ये यह तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर देखने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करोगे तो मैं लेके चलता हूँ किस तरह से आपको क्या दिखेगा किस तरह का पोर्टल दिखेगा ये ये कंटिन्यू करने के बाद आपको इस तरह से आ जाएगा पोर्टल और इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा प्लीज सेट अ न्यू पासवर्ड

फिर यही सेम पासवर्ड यहाँ पे भी करना पड़ेगा कन्फर्म और कन्फर्म करोगे सेम पासवर्ड और यहाँ पे देख लेना तो आपको दोनों मैच करता हुआ दिखना चाहिए और जो ही ये मैच करेगा फिर देखो कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा आपसे मान लो फायदा कभी पासवर्ड की जरूरत पड़ी आपको इसके लिए दो सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछा जाएगा यहाँ से पहला सिक्योरिटी क्वेश्चन है व्हाट इज योर फेवरेट मूवी कुछ भी दे सकते हो इसमें बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है देखो बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है कुछ भी दे सकते हो मैंने फेवरेट मूवी का नाम डाल दिया यहाँ पे फिर दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन है व्हाट सिटी यू बॉर्न इन तुम कहां पैदा हुए ये भी क्वेश्चन ले सकते हो ये ले लो यहाँ पे इसमें भी ऑप्शन बहुत सारा है मैंने अपने जगह का नाम दे दिया आप भी अपने जगह

डालना है पासवर्ड जो कि आपने क्रिएट कर रखा है तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी डालना है पासवर्ड भी डालना है और यहां पे कैप्चा कोड भी डालना है जो ही ये डालोगे इसके बाद आपका आगे का फॉर्म फर्दर प्रोसेस होगा तो हम डालते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पे पॉज पॉज करो पॉज पॉज अब जो ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा हेलो कैंडिडेट करके आएगा आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है जो भी आया होगा आपको पता ही है अच्छी तरह से इस तरह से मिला होगा इसको डाल देना है और इसके बाद पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है पुराना वाला नहीं जो आपने क्रिएट करा है ना उस पासवर्ड को यहाँ पे डालना है और कैप्चा को डालोगे और इसके बाद यहाँ पे लॉग करोगे जो ही ये लॉग करोगे बेटा तो देखो इस तरह का चीज आ जाएगा क्या अब क्या बोला है एडिशनल डिटेल्स भी डालना है आपको इस एडिशनल डिटेल्स में कैटेगरी डालना है जो भी कैटेगरी हो यू आर हो ओबीसी हो एस हो एस सी मान लो ओबीसी डाल देता हूं मैं ओके इसमें कैटेगरी कौन सा आते हो कोई कुछ भी इसमें ओबीसी डाल दो यस वेरीफाई कैटेगरी दो बार वेरीफाई कर रहा नेशनलिटी में क्या हो इंडियन हो पता है आपको तो क्या डालोगे सिटीजन ऑफ इंडियन डालोगे यहाँ पे यस इस बाद क्या विजिबल आइडेंटिफिकेशन डालोगे यस कुछ भी डाल दो जो भी मान लो मा, किसी के पास मोल है सामने में जो भी फ्रंट पे होगा ना या कोई कटिंग निशान है आप डाल सकते हो तो जैसे मैं क्या लिख दूं ए मोल ऑन नोज़ लिख देता हूं ऐसे ए मोल ऑन नोज़ ओके ए मोल ऑन नोज़ या कट मार्क ऑन हैंड भी लिख सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं है जो भी आपके पास जो सामने से दिख रहा है ना जो भी आइडेंटिफिकेशन उसको आप डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ओके ये डाल दिया मैंने इसके बाद देखो नीचे में क्या लिखा गया है आर यू पर्सन विद अगर यस yes है तो यस yes, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ऐसे ही यस yes, नहीं करना है आपको नो no है तो नो no, तो नो no डाल देता हूं परमानेंट एड्रेस कुछ भी डालो परमानेंट एड्रेस जो आपका है ध्यान रखना इस बात को जो भी परमानेंट एड्रेस आप लोग एक्चुअली में घर से जब बाहर रहते हो ना तो आप वहीं का एड्रेस डाल देते हो ऐसा गलती कभी मत करना जो आपका घर का एड्रेस है परमानेंट हमेशा परमानेंट एड्रेस में वही का एड्रेस डाला कीजिए जैसे अगर मैं बात करू तो मैं डाल देता हूँ जस्ट ऐसे जानने के लिए मैं डाल देता हूँ क्या यहाँ का एड्रेस डाल देता हूँ मैं देखो ध्यान से पौज, पौज, पौज। यस जो ही डालोगे यहाँ पे आप एड्रेस में डालोगे देखो जैसे मैंने डाल दिया है यहाँ पे एड्रेस वगैरह जो भी है एड्रेस मैंने ऐसे रेंडम से डाल दिया आप सही से डालना मैंने बस सैंपल यहाँ पे दे रहा हूं आपको तो आपने जो भी एड्रेस होगा आपको प्रॉपर डालना है यहां पे मैंने डाल दिया है स्टेट सेलेक्ट, सेलेक्ट कर लेना है आपको यस डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है पिन कोड जो होगा प्रॉपर पिन कोड होना चाहिए क्योंकि मान लो सिलेक्शन होगा ना तो आपको इसी एड्रेस पे सब कुछ भेजा जाएगा आपका ओके ज्वाइनिंग लेटर इसी पे मिलने वाला है आपको ओके इज प्रजेंट एड्रेस सेम एज द परमानेंट एड्रेस यस है तो यस नो है तो नो अगर नो दोगे तो फिर से बिल करना पड़ेगा यस दोगे तो ये अपने आप यहाँ पे यस करोगे तो सारा कुछ फिलो के आ जाएगा यस अब देखो यहाँ पे इसके बाद क्या है सेवन नेक्स्ट करोगे चलो सेवन

जो है देखो यहाँ पे क्लिक करोगे ना ये पूरा जो आपने भरा है ना ये सारा चीज आपको दिखने लगेगा सही से इसको एक बार चेक कर लीजिएगा सबमिट करने के बाद और ये चेक कर लेना और चेक करने के बाद आपको दिखेगा क्या ये सारी चीजें जो आपने जो भरा है उसको प्रिंट भी रख सकते हो प्रिंट निकालना है तो प्रिंट भी निकाल के रख सकते फ्यूचर रेफरेंस के लिए और इसके बाद देखो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे पहले आपको टिक टिक करना है आई एग्री फॉर द एब टर्म्स एंड कंडीशन इज करेक्ट जो मैंने किया है वो बिल्कुल पूरी तरह से करेक्ट है सत्यापित कर रहे हो इसको और इसके बाद डिक्लेयर पे क्लिक कर देना है जो ही क्लिक करोगे सक्सेस डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली आपने डिक्लेरेशन को सबमिट कर दिया और ओके okay करोगे मतलब ये हो गया आपका जो ओ था वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ फॉर्म फिलिंग

केयरफुल यस yes. लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं अलग बात है लेकिन ये बोला जा रहा है सब कुछ जो अच्छे से पढ़ने के लिए इंग्लिश में भी लिखा है हिंदी में भी लिखा है कर करके आपको यहाँ पे फिल फॉर्म पे क्लिक करना है और जो क्लिक करोगे आपको ये सारा चीज ओपन हो जाएगा देखो तो इसमें पांच स्टेप है एक दो तीन चार पांच फर्स्ट स्टेप है पर्सनल डिटेल्स एजुकेशनल डिटेल्स यस तो पर्सनल डिटेल्स तो होगा भी आपको कुछ इसको नीड होगी तो मांगेगा भी ये या आपने जो ओटीआर में डाला है उसको चेक करवाएगा एजुकेशनल डिटेल्स तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा यस फिर क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ मांगेगा फिर अपलोड डॉक्यूमेंट और अपलोड डॉक्यूमेंट पे जब जाओगे ना तो एक यहाँ पे परेशानी यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है बट मैं आपको बताऊंगा कैसे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है फोटो कैसे अपलोड करना है सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है सारी चीजों के बारे में बात करने वाले तो ये देखिए ये सब कुछ अप, अपन लोगों ने भर दिए पहले ही ओटीआर करा लिए तो ये सारा चीज देखो डिटेल्स एक बार चेक कर लेना सही होना चाहिए यहाँ पे ये सब कुछ हो गया है अब नेक्स्ट करोगे जो ही नेक्स्ट करोगे तो क्या पर्सनल डिटेल सब सक्सेसफुली में ओके करोगे यस अब देखो यहाँ पे आएगा मेन बात मेन बात यहाँ पे आएगा तो देखो यहाँ पे क्या क्या, क्या आपसे मांग रहा है ये एजुकेशनल डिटेल्स मांग रहा है किस स्ट्रीम से हो आप ये सिविल इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मान लो मैं इलेक्ट्रिकल दे देता हूँ यस yes, इलेक्ट्रिकल है इसका वेरीफाई स्ट्रीम सब्जेक्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसे क्लिक करोगे इलेक्ट्रिकल डाल देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या है ग्रेजुएशन डालो तो ग्रेजुएशन डालो यहाँ पे इसके बाद क्या होगा क्वालिफाई क्या इन डिप्लोमा और डिग्री देखो क्या क्या है डिप्लोमा या डिग्री है तो डिग्री कर देता हूँ मैं यस अब देखो सब्जेक्ट और स्ट्रीम कौन सा है आपका इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल हो जाएगा यहाँ पे ऑलरेडी फिल कर रखें तो एक ही दिखेगा आपको सिविल तो सिविल मैकेनिकल तो मैकेनिकल अब देखो यहाँ पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं यस क्या है स्टेटस क्या है पास्ट भी है पियरिंग भी है अगर आप पास्ट हो तो आप पास डालना अगर आप एपियरिंग हो बट यहां पे एपियरिंग अगर करोगे ना तो एपियरिंग के साथ दिक्कत है इस बात को ध्यान रखिएगा एपियरिंग वाले कैंडिडेट के, के पास जो एक अगस्त इसके नोटिफिकेशन में मेंशन है एक अगस्त 2024 तक आपके पास सारा रिजल्ट होना चाहिए क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो इसी डेट को जो है ना ये कट ऑफ मानेगा इसी डेट को रेफरेंस लेकर के सारा डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा अगर इस डेट से पहले आपके पास डॉक्यूमेंट होगा तो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके फर्दर प्रोसेस में लग जाओगे अगर इसके बाद का डक्यूमेंट्स मिला तो हो सकता है डेफिनेटली ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर देंगे इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे बाकी अगर एग्जाम देने के पर्पज से कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं अगर आप अपेयरिंग हो तो अपेयरिंग डाल के आराम से फॉर्म फिलअप करो और एग्जाम दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं ओके okay, तो मैं पास तो पास डाल देता हूँ कोई दिक्कत नहीं पासिंग ईयर कब होगा मान लेते कोई भी ईयर मान लेते रेंडम सा पंद्रह तो पंद्रह कर देते हैं चौदह चौदह कुछ भी कर देता हूँ मैं यहाँ पे क्या जो भी है क्या आंध्र प्रदेश अरुणाचल या स्टेट ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सा है कुछ भी डाल देता हूँ चंडीगढ़ लो चंडीगढ़ डाल दिया मैं बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज डाल देता हूँ मैं रोल नंबर बस ऐसे ही डाल रहा हूँ रैंडम सा डाल रहा हूँ इस बात को ध्यान रखना यहाँ पे अब रैंडम सा ही डाल रहा हूँ मैं कुछ भी डाल देता हूँ मैं Four, five, six, nine, ऐसे ही होगा सी जी पी डालना है जो भी होगा और इसके बाद जो सेवन एक्स करोगे तो ये देखो ध्यान से क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका सबमिट हो गया ये ओके okay हो गया यस अब इसके बाद देखो क्या लिखा है यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है में क्या लिखा गया है वेदर यू आर इन एक्स सब्बिस मैन अगर आप है

आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहां डालना है तो सेलेक्ट वन में कर दो कहीं पे भी कर दो मैं कर देता हूं कहां पे? मैं एक कर देता हूँ कानपुर में लो एक कर देता हूं कहा लखनऊ तो लखनऊ कर लो देखो तीन मांग रहा है आपसे फिर क्या कर दो फिर फिर एक कर दो कहा प्रयागराज कर दो ऐसे ही था आपको जो अगल बगल में सिटी हो वही करना है आपको तो तीन सेंटर प्रिफरेंस में दे रहा है तीनों सेंटर कर दोगे यहाँ पे इसके बाद क्या आर यू पर्सन विद परसेंट विदिटी फोर्टी परसेंट और मोर तो यस आप यस कीजिएगा नहीं है तो देखो ऐसे भी पहले नो कर दिया तो खत्म आइए इसके बाद देखो क्या लिखा है पर अगर आपको सपोर्ट चाहिए होगा यस तो आप यहाँ पे यस करोगे और यहाँ पे तो कुछ है ऑलरेडी हम डिटेल शेयर किए तो नो है तो इसलिए यहाँ पे नो ही करेंगे और यहाँ पे ये आगे कर देंगे नेक्स्ट सक्सेस हो गया एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू सब यस ओके करेंगे यस अब देखो यहाँ पे है मेन गेट यहाँ पे मेन गेम क्या है अब सर इस बार फोटो कैसे अपलोड करेंगे सर डॉक्यूमेंट जो मेरा फोटो और सिग्नेचर दोनों जो डॉक्यूमेंट का बना इसको कैसे अपलोड करेंगे यस तो इसके लिए आपको घबराने की कोई नीड नहीं है आपको इस बार लाइव फोटो चाहिए होगा अगर जो बच्चे मोबाइल से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगा आप प्ले स्टोर पे जाओगे और प्ले स्टोर पे जाने के बाद माई एस के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा यस उसको डाउनलोड कर लेना है उसको डाउनलोड करोगे तो आपको जो एप्लीकेशन नंबर मिला है उसको डालना है और जो पासवर्ड क्रिएट करके लेटेस्ट वाला जो पासवर्ड आपने क्रिएट कर रखा है उसको डालोगे आपका वहां पे अपने डॉक्यूमेंट अपने डॉक्यूमेंट का जो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा यस अब ध्यान रखना ये चीज देखो कैप्चर योर फोटोग्राफ फोटोग्राफ कैप्चर करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है फाइंड अ प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड इन श्योर द कैमरा आई लेवल बिफोर कैप्चरिंग द फोटो चश्मा टोपी ओपी कुछ नहीं लगाना इस बात का ध्यान रखना है नहीं तो फिर फॉर्म रिजेक्ट भी होता है इस बात का भी ध्यान रखना है अगर आप यूज भी करते हो तो उस समय में जब आप फोटो लोगे तो उस समय में नहीं यूज करना है कैसे देखो फोटो कैसे लेना Actually, मैं आपको सिंपल भी दिखा देता हूँ जिससे कि चीजें क्लियर हो जाए आपको देखो ध्यान से देखना ये इस तरह का देखो ये ये जो है एक्सेप्टेड नहीं है ये भी एक्सेप्टेड नहीं है ये भी एक्सेप्टेड नहीं, नहीं है ये वाला देखो ये वाला जो है क्या है Accepted है क्योंकि देखो चश्मा लगा, लगा नहीं होगा ये ये हो इस तरह का होना इस बार फोटो चाहिए मोबाइल में उसमें और क्लियर होना चाहिए चीजें विजिबल होना चाहिए प्रॉपर इस तरह से दिखना चाहिए वहां से आराम से डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दोगे इस इस और इसका सिग्नेचर भी वहां से अपलोड कर दोगे और अपलोड कर दोगे आराम से वहां पे जाओगे, तो ये चीजें देखो ऐप इसीलिए इस बार एस ने दिया है जिससे कि बच्चों को प्रॉब्लम न हो यस देखो सेम चीज क्या लिखा गया इस स्कैनर को अगर स्कैन करोगे मोबाइल से तब भी आपको वही चीज पे लेके चला जाएगा यस वही चीज लिखा गया फिर जब सिग्नेचर अपलोड करोगे तो साइज का भी में ध्यान रखना है टेन के भी ट्वेंटी के भी होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए इमेज डायमेंशन इतना होना चाहिए लिखा गया विथ और हाइट कितना होना चाहिए अपलिकेशन अपलिकेशन विध ब्लड सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड बलर नहीं होना चाहिए इस बात का ध्यान रखना है सिग्नेचर शुड बी अलाइन यस इस बात का भी होना चाहिए तो यहाँ पे लिखा अपलोड सिग्नेचर करोगे यस yes, ये दोनों चीज हो जाएगा आपका जब ऐप आप में जाओगे तो आप वहां से दोनों चीज कर लोगे नहीं अगर ऐप में नहीं तो यहाँ पे जब अपलोड सिग्नेचर करोगे तो आपको सीधा यहाँ पे पाथ दे देगा आप आराम से इसको कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं तो ये इसको करने की हाँ. मतलब सर यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो फोटो के लिए ऐप पे जाके करना है आपको

जो ही डिक्लेयर कर दोगे उसके बाद चेंज करने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा इस बात का भी ध्यान रखना है तो इसको चेक कर लीजिएगा और यहाँ पे टिक कीजिएगा और इसके बाद देखो टिक करने के बाद कैप्चा कोड लगाना पड़ेगा आपको और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करोगे और जो ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे आपको दिखाएगा अप्लीकेशन सबमिटेड कंटेंट नोट वेरीफाइड डरना नहीं है फिर मैं बोल रहा हूं ये जो लिखा है ना ब्रैकेट में कंटेंट नोट वेरीफाइड ये आपको शो करेगा सारे बच्चों को शो करता है इसका मतलब, तो लिख, मतलब, हो हो मतलब इसलिए होता है क्योंकि देखो अब कोई भी वेबसाइट ये पुरानी वेबसाइट पे भी हो रहा था ये नई वेबसाइट पे भी दिखाई दे रहा है रीजन क्या होता है कि जब भी कभी आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट अपडेट करते हो ना तो अब आपके अकेले के नहीं लाखों स्टूडेंट का जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो एक किसी पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर या कहूंगा कि पर्टिकुलर किसी स्पेस के ऊपर सर्वर, सर्वर के ऊपर वहां पे अपलोड हो रहे हैं तो यहाँ पे जो लिखा हुआ कंटेंट नॉट वेरीफाइड तो अभी सिस्टम को टाइम लगता है उनको वेरीफाई करने में वो भी तो क्रॉस वेरीफाई करेगा सारी चीजों को चीज़ों बिल्कुल कुछ टाइम के बाद ये फिर आप लोगों का यहाँ पे आप ज्यादा भी हाँ, हम लोग अपडेट दे देंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 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 और एक बात और सर यहाँ पे अगर आपने ये कर जो है ना देखो यहाँ पे लिखा है और यहाँ एप्लीकेशन है ये प्रिंट एप्लीकेशन जरूर कर लेना बेटा

ने बहुत बारीकी से बताने की कोशिश करी है साथ में अगर आप लोग एस एस की तैयारी इस साल कर रहे हैं और चाहते हैं इस एग्जाम को क्लियर करना तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं कुछ भी डाउट आप लोगों को इसके लगा है कि में हमें ये वाली दिक्कत आ रही है या कई सारे तो उन लोगों के लिए अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट आप लोगों को लग रही है कि नहीं समझ में आया तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोगों का इंतजार जरूर करते हैं हम लोग जरूर बताएगा और साथ में हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप हमें बता सकते हैं ठीक है? है तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद द सुपर इंटेंशन एक अच्छे एम के साथ टिल देन टेक केयर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच